मध्य प्रदेश सरकार तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जो दूसरी लहर में जो चुनौतियां आई थी उनको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए हैं, जो कि 204 ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए थे, आज की तारीख में 190 ऑक्सीजन प्लांट पूरे क्रियाशील हो चुके हैं, बाकी 14 भी जल्दी क्रियाशील होंगे। अस्पतालों में आईसीयू के बेड हमने बढ़ाए हैं, एचडीयू के बेड बढ़ाए हैं, बच्चों के लिए भी पीआईसीयू के बेड हम लोगों ने बढ़ाए हैं, दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्थाएं अस्पतालों के अंदर की हैं, टेस्ट जिस तरीके से केस निकल रहे हैं टेस्ट की कैपेसिटी हम लोगों ने बढ़ाई है। आज की तारीख में हम लोग 79,000 करीब पर डे टेस्ट कर रहे हैं। तो सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है और तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी पर डे इसकी समीक्षा करते रहते हैं। मैं आम नागरिकों से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि वो मास्क लगा कर रखें और मास्क जो लगाएं वो सही तरीके से पूरा मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें और हाथों को बार बार साबुन से धोते रहें, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन सावधानी हमें पूरी बरतना होगी। हम निश्चित रूप से इस कोरोना की जंग को हम लोग जीतेंगे।